हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, तो उस पे हम लोग को तीन पार्ट्स को पढ़ना है। सबसे पहले मीन, और हम लोग मीन के सारा क्वेश्चंस खत्म कर दिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीडियन। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोड। क्या पढ़ेंगे? मोड। तो देखिए, मीडियन पे आज हम लोग जो सवाल करेंगे वो कौन से सीरीज पे करेंगे? इंडिविजुअल। कौन से सीरीज पे करेंगे? इंडिविजुअल। और आप लोग को बता दें कि जो मीडियन का जो हम लोग मैथ बनाएंगे, जैसे आपने देखा था मीन में किसी एक सवाल पे तीन फॉर्मूला हुआ करता था, कितना? तीन। किस पे होता था? मीन पे। मगर मीडियन पे एक ही फॉर्मूला से सारे मैथ को हम लोग को करना है। सिर्फ फॉर्मूला कितना लगेगा? एक। जैसे कि आप लोग को याद होगा ना कि जब हम लोग मीन बना रहे थे तो कौन कौन सा विधि आ रहा था भाई? शॉर्टकट, डायरेक्ट और स्टेप डिविजन, है ना? पर मीडियन पे ऐसा नहीं है, एक फॉर्मूला लगाएंगे उसी से आंसर पता चलेगा। तो देखिए, ये सवाल कौन से सीरीज पे लिखा हुआ है? इंडिविजुअल सीरीज पे। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं मीडियन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉलम नंबर वन पे सीरियल नंबर। क्या लगाएंगे? सीरियल नंबर। आप गिन लीजिए कितने आपके पास डेटा लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल जो यहाँ नंबर्स लिखा हुआ है कितना है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब उसके बाद जो ये नंबर्स लिखा हुआ है, क्या ये आपको मालूम है ये कौन सा नंबर्स है? किसी के मार्क्स है, किसी की एज है, कुछ पता है आपको? नहीं मालूम है तो आप यहाँ चाहे तो एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके लिए? एक्स भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर, ये नंबर्स है ना, अरेंज इन इसको असेंडिंग ऑर्डर पे हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। कौन सा ऑर्डर पे? असेंडिंग। मतलब कि छोटे नंबर्स को पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ा पे चला जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, जो हमारे पास नंबर्स है, अलग अलग नंबर्स है, यहाँ पे 11 है, फिर कितना है? 12। अच्छा, 12 के बाद बढ़ रहा नहीं है, घट रहा है, कितना है? 8। फिर क्या हो रहा है? घट रहा। फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा। फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा। फिर बढ़ा, फिर क्या हुआ? घटा। फिर क्या हुआ? यहाँ पे घटा, फिर घटा है। तो आज अलग अलग सारा नंबर्स है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करिएगा। क्या करिएगा? अरेंज। ठीक है ना, कौन सा ऑर्डर पे करेंगे हम लोग? असेंडिंग। तो एक्स ही करके आप बनाइए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे? 5। उसके बाद 8। फिर कौन है? फिर कौन है? 9 के बाद है 11। फिर 20। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हम लोग अगर ऐसे ही लगा देते जैसे ही लिखा था तो आंसर आता हम लोग का? मीडियन नहीं आता। आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर पे कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मीडियन निकालने के लिए जो हम लोग पहला इंडिविजुअल सीरीज से निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, मीडियन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम। क्या बोलेंगे? कैपिटल एम। एम मतलब क्या हो गया? मीडियन। इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2। क्या होता है? एन प्लस 1/2। बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, बहुत छोटा है। एन किसको बोलते हैं? जो आपने सीरियल नंबर लिखा ना, सबसे आखिरी पे कितना नंबर दिखाई दे रहा? 9। क्योंकि 9 नंबर्स भी लिखा हुआ था, तो नंबर्स कितना आपके पास है? 9 प्लस 1। नीचे कितना आपको लिखना है? 2। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 बटा 2। काटेंगे कितना आएगा? तो यहाँ पे फिफ्थ लिख देना, ये आंसर नहीं है। आपको सीरियल नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे आंसर कितना निकल रहा है आपका? फिफ्थ टर्म, पछवा नंबर। पछवा नंबर कहाँ पे? यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 है, अब यहां से आप गिनिए 1 2 3 4 5। 5 के सामने में कौन दिखाई दे रहा? 12। यानी कि मीडियन इज इक्वल टू कितना है? 12। ये आपका क्या होगा? आंसर। याद रखना, जो आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे वहां आंसर नहीं मिलता, वहां आपको टर्म मिलेगा, कितने टर्म पे आंसर छुपा है। तो यहाँ फिफ्थ टर्म था तो पांचवे नंबर के सामने 12 है, एक्स पे आंसर छुपा हुआ रहेगा और वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। समझ में आया? किसी को डाउट?
चलिए आज आप लोगों को हमने पढ़ाया मीडियन, इससे पहले हमने मीन भी कर लिया था, ठीक है। मीन में सारा फॉर्मूला भी हो गया था, सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए थे। आज मीडियन जो कि इसके बारे में आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि आप लोगों को कितना मीडियन के बारे में समझ में आया, ठीक है। तो कोई एक स्टूडेंट को खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा मीडियन के बारे में, ठीक है। तो किसको खड़ा करेंगे, चलिए रानी आप खड़े हो जाइए। तो आज आपको मीडियम पढ़ाया गया है, तो ये बताइए मीडियम कितने सवाल पे होता है? मीडियम तीन सवाल पे होता है, पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अच्छा ये बताइए, चलिए समझ में तो आ गया कि आपने जान लिए हो कि तीन सवाल पे मीडियम हो सकता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब ये बताइए इंडिविजुअल सीरीज में मीडियम कैसे निकालेंगे, उसकी क्या फॉर्मूला है बताओ? उसका फॉर्मूला होता है m+1/2। ठीक है, राइट।